आसमानों पर लिखा। प्लीज आंटी चाय पी लें, आपके सर का दर्द कुछ कम हो जाएगा। मैं चाय के साथ साथ आपको सर दर्द की गोली भी दे देती हूँ। देखें, अगर आप लोग मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं उठकर चली जाऊंगी, जैसे सब चले गए। चलो उठो, चाय पियो, इसके बाद खाना भी खाना है। उठो। तो इसकी टेंशन हो रही है, कब से एक ही कैफियत में है। कल्याण भाई कब गए? किसी ने उन्हें रोका क्यों नहीं? आज तो हम लोग बिल्कुल अकेले हो गए, बिल्कुल खाली हो गए। कल्याण भाई वाकई एक बहुत अच्छे इंसान, मुझे यकीन नहीं था वो हमारे साथ ऐसा करे। बिल्कुल सगे भाइयों की तरह। तुम्हारे भाभी यही कहते थे कि वो बहुत अच्छा इंसान, सबसे अलग। हेलो आलियान भाई, आंटी तो थोड़ी संभल भी गई हैं, लेकिन कुर्सिया तो बेहोश पड़ी है। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, उसने पानी तक नहीं पिया। तो बिल्कुल ठीक नहीं। आलियान भाई कुछ कहना है आपने? क्या बात? नहीं नहीं कुछ नहीं। अच्छा आलियान भाई, अल्लाह हाफिज। हाफिज। हम कहीं दूर चल सकते हैं? मेरा दिल चाह रहा है हम कहीं दूर चले जाएं। अकेले जाना चाहते हो या किसी को साथ लेकर? मेरे साथ कौन जाएगा? शायद आप भी नहीं, आपका बेटा थोड़ी जाने देगा आपको। मेरी जान, मेरी जिंदगी, तुम मेरी नजरों के सामने रहते हो ना, तो मेरी आंखों में रोशनी रहती है। तो फिर भाग चलें, वैसे भी किसी को हमारी जरूरत थोड़ी है। हो सकता है किसी को हमारी जरूरत हो। हो सकता है मैं जिसे मोहब्बत समझ रहा हूँ वो शायद जरूरत ही है। चाय पियो के लाते हैं। जहां गए थे वहां गर्मी बहुत ज्यादा थी। थी तो लगता तो हम सबको एक दिन वहीं जाना है।
इसको छोड़े, एक पेन किलर देते हैं, सर में बहुत सख्त दर्द हो रहा है। मंगवाती चंदा बी, चंदा बी चाहते को शाहीन आंटी आई होंगी। आप आ गए, आइए ना। मैं भी आप ही के बारे में सोच रही हूँ। जब रुकेंगे ना हम लोग, बिल्कुल खाली है। क्या अब्बा को नहीं पता था कि वो मर जाएंगे तो मैं बेसहारा हो जाऊं, सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। उनकी वजह से मैंने अंधे कुएं में छलांग लगाई थी, ये सोचते हुए कि जब वो ठीक होंगे तो मुझे उस कुएं से निकालेंगे। उन्होंने मेरे लिए एक बार भी नहीं सोचा, मुझसे बात तो कर देते, सोचते दो कि मैं वहां किस हाल में होंगी, खुश हूं भी या नहीं। सबको अपनी अपनी पड़ी। मैं तो अपने अब्बा की अच्छी बेटी थी ना, मेरे साथ तो वो ऐसा नहीं करते, मुझसे बात तो कर लेते एक दफा। कुछिया संभालो खुद को, चलो उठकर बाहर बैठो सबके साथ। देखो अलियान भाई आए हैं। वो इस वक्त क्यों आए हैं? उनसे कहो कि वो चले जाए, ना करें हमदर्दी हम गरीबों पर। उनकी हमदर्दी ने मेरी जिंदगी को तमाशा बना दिया है। पापा मर गए इसी वजह से। कुछिया, अंकल का वक्त पूरा हो गया था, कोई तो बहाना बनना था ना। यहाँ अलियान भाई का क्या कसूर है? वो तो हमारे साथ है, सबके तुम्हारे साथ है। उन्होंने तुम्हारी वजह से बहुत कुछ किया है। सेहो, तुम इतना नेगेटिव क्यों सोच रही हो? अलियान भाई तुम्हारी परवाह करते हैं, इसीलिए वो आज यहाँ आए। अगर उन्हें तुम्हारी परवाह नहीं होती तो वो नहीं आते। कुछिया, यही वो वक्त होता है जब हमें किसी के होने का एहसास स्ट्रॉन्ग कराता है, और अपनापन तो मोहब्बत का पहला जुज होता है। कौन सा एहसास? कहाँ था अपनापन? वो मुआहदा, वो रिश्ता सब पापा के साथ था। चले गए हैं ना, इसलिए सब कुछ खत्म हो गया। मैं तुम लोगों की तरह खुशफहम नहीं हूं। आफिया बेटा, एक ग्लास पानी तो पिला दे, हलक में कांटे पड़ गए। जहीरुद्दीन को सोचते सोचते आग लग गई थी। अरे बेचारा कैसे बेयारो मददगार मर गया। इसको कहते हैं आलमी गुर्बत की मौत। ना किसी से कुछ कहा ना सुना, चुपचाप चला गया। आफी, ये कैसी चाय बनाई है? क्यों? वो ऐसी चाय नहीं पिएंगे, ये बैग्स भी नहीं है। तुम दूध और पानी बॉयल रखो, मैं किसी से मंगवाती हूँ। कौन ऐसी चाय नहीं पिएगा? किसकी बात कर रही हो? अरे
अभी जहीरुद्दीन को मरे 24 घंटे भी नहीं हुए और चूल्हा भी जल गया। खुदा का खौफ करो लड़कियों। चाची, आलियान भाई घर पर आए हैं, क्या अब उनको चाय भी पड़ोस से मंगा कर दें? ओ अच्छा, तुम लोग के दूल्हा भाई आए भाई, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। अब क्या ढूंढने लग गई हो? चूल्हा जला दिया तो एक कप चाय मुझे भी दे दो। थकन से जोर जोर दुखने लगा है मेरा। टी सेट का शुगर पॉट नहीं मिल रहा है, वही ढूंढ रही हूँ। आप चले, मैं चाय लेकर आती हूँ। ए तौबा तौबा, मौत मरण के घर में टी सेट की ढूंढिया मच गई है। ऐ बहन, मैं इसीलिए कहती हूँ कि अपने बराबर के लोगों में रिश्ता करो। देखो हम तो ठहरे सादा लोग, इसी सादगी में तो मारे जाते हैं। दो ऑफिस में नहीं था, मुझे नहीं पता सहीदीन साहब की डैड से क्या बात हुई है। शायद अगर मैं होता तो सब कुछ ना होता। I'm really sorry. बहुत हर्ट हुआ है। आलियान भाई चाय लीजिए ना, मुझे आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा है, पता नहीं अजीब सी शिवरिंग हो रही है। आलियान भाई, आपको तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। तेज भी नहीं हो रहा, वापसी पे डॉक्टर के पास चला जाऊंगा। मैं फ्लू की वजह से कभी कभार थोड़ा बुखार हो जाता है। बुखार हो तुम्हारे दुश्मनों को? मैं तो कहती हूँ उसको नजर लग गई है। सुबह चल जाके मिर्चे लेकर आ। हट, अभी मैं अपने बच्चे की नजर उतारती हूँ, देखना मिनटों में ठीक होगा। आपदा, इसको कहीं लिटा दे, कुछ उड़ा दे, ये तो बच्चा बुरी तरीके से कांप रहा है। नहीं जी, मैं ठीक हूँ। प्लीज आप लोग मेरी फिक्र ना करें, घर पहुँच के आपको फोन कर दूंगा। बेटा, हम तुम्हारी फिक्र नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? और खबरदार जो इस हालत में गाड़ी चलाने की गलती की तुमने। चलो बैठो बैठो। नहीं प्लीज, मैं गाड़ी ड्राइव कर सकता हूँ। आप लोग ऐसे ही परेशान हो रहे हैं, मैं घर पहुंच के फोन कर दूंगा आप सबको। आलियान बेटा, ये घर आपके रहने के काबिल तो नहीं है, लेकिन आप हिम्मत करके रुक जाएं, वरना इसी तबीयत में कैसे आप बाहर जा सकते हैं? या आप ऐसा करें, किसी को फोन करके बुला लें, कोई आकर आपको ले जाए। ऐसी हालत में मैं आपको गाड़ी चलाने की इजाजत नहीं दूंगी। ड्राइवर बुला लेता हूँ। ड्राइवर तो आता रहेगा, आप तो इसको कोई बुखार की गोली दे दे। नाजो भला बच्चा है भाई, सुबह से हमारे साथ लगा हुआ है, बीमार नहीं पड़ेगा तो और क्या होगा। मैं तो कहती हूँ कि भाई टाट में मखमल का पेवन तो लगना ही नहीं चाहिए। ये क्या कह रहे हो तुम लोग? इसकी क्या जरूरत थी? और ये नया कंबल, ये क्यों निकाला? ये तो आफिया के जहेज के लिए था। तुम सब लोग पागल हो गए हो,
मैंने ड्राइवर को फोन किया, वो ले जाएगा उन्हें। देखिएगा आज वो कहीं नहीं जाएंगे। क्या जाने तुम लोग इतने खुशफहम क्यों। पता नहीं आप मुझे इस घर में क्यों ले आती हैं। वहशत होती है मुझे इस घर से। पागल हो गई हो तुम? ये अब तुम्हारा घर है, तुम यहां से कहीं नहीं जाओगी। ए निताशा, Why are you so sad, my dear? घर जाने की जिद कर रही है। आलियान कहाँ? आशिक हुसैन बता रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले ही बाहर गया। आलियान, आलियान आप उठ जाइए, दवा खा लीजिए। वो आपके घर से फोन आ रहा है, रिसीव कर लीजिए। मिल जाएगा मुझे? जी मैं देती हूँ। पानी लेटे लेटे नहीं पी सकता क्या? टैबलेट नहीं खाऊंगा मैं। भाई ये पानी भी गर्म है, ठंडा पानी तो पिला दें प्लीज। जब तबीयत खराब हो तो ठंडा पानी नहीं पीते। नहीं होगी यार, तो आप लोगों ने मुझे बच्चों की तरह ट्रीट किया हुआ है। इतना भी सेंसिटिव नहीं हूं मैं। लाए
एक तो आप किसी की बात मानते भी तो नहीं हैं। अगर बुखार हो गया था तो हमारे घर आने की क्या जरूरत थी? आप तो जैसे मान लेती है ना, अच्छा मैं यहाँ पे आपके लिए आया था। मैं सिर्फ देखना चाह रहा था कि आप लोग कैसे हैं, आप लोगों की प्रॉब्लम्स। हमारे प्रॉब्लम्स की आप प्लीज बात मत करें। आपको अपना प्रॉब्लम पता है ना, एक तो आप बिना सोचे समझे दूसरों की मदद करने पहुंच जाते हैं। आप तो अपनी आदत से मजबूर हैं, लेकिन आपकी इस आदत ने हमें कितना मजबूर कर दिया आप सोच भी नहीं सकते। एक मिनट, आप हर चीज के लिए मुझे क्यों ब्लेम करती हैं? मैंने तो आपको पहले ही कहा था जब आप लोग अपने कम्फर्ट जोन में आ जाए तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, जाने दें इस बात को, सारे डर खत्म हो गए हैं। आप प्लीज बैठ जाइए वरना आपकी तबीयत फिर से खराब हो जाएगी। I'm feeling a lot better now. और वैसे भी मुझे चलना चाहिए ना। इतनी तेज बारिश हो रही है, आप कैसे जाएंगे? आपको पता है पहले मुझे बारिश बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, अब अच्छी लगना शुरू हो गई। लेकिन बारिश की वजह से तो मैं यहाँ नहीं रुक सकता ना, वैसे भी मैंने आप लोगों को बहुत तंग कर दिया, मुझे चलना चाहिए। I'm really grateful for everything you've done. Thank you. आलियान भाई, आप जा रहे हैं? आपको तो बुखार है, इतनी तेज बारिश हो रही है, अगर आप बारिश में जाएंगे तो आपकी तबीयत मजीद खराब हो जाएगी, इसलिए आज मत जाइए। नहीं है, मैं अभी यहाँ नहीं रुक सकता, दादा मेरा इंतजार कर रही होंगी, मुझे चलना ही चाहिए। आप तो अभी चले गए थे, सब ठीक तो है ना? रुक सकता हूँ? जी जी आइए। असल में टायर पंचर हो गया था और मैं थोड़ा सा ही आगे गया था, मेरा मोबाइल भी आपके पास पड़ा हुआ था, आई थिंक शायद कमरे में छोड़ गया हूँ, तो सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ ना। आई स्वेयर मेरे पास कोई और सलूशन भी नहीं था, मेरा फोन भी अंदर रह गया था और दूर जाते ही टायर पंचर हो गया था। अगर आप मेरा फोन ला देंगी तो मैं दादो को कॉल कर लूँगा, दादो भी इस वक्त बड़ी परेशान हो रही होंगी और डैड भी नाराज होंगे, इस वक्त तो ड्राइवर भी सो रहा होगा।
I swear, मेरी अपनी सिचुएशन वगैरह बहुत खराब है। प्लीज मेरा फोन ला दे। तुम अभी बाहर किसी से बात कर रही थी ना? कौन था बाहर? आलियान, वो अपना मोबाइल भूल गए थे और गाड़ी का टायर भी पंचर हो गया, इसलिए वापस आकर। किस्मत उन्हें बार बार तुम्हारे दरवाजे पर लेकर आती है और तुम हो के समझती नहीं, अहमक लड़की। चलो उनसे खाने का पूछो, हो सकता है उनको भूख लग रही हो। वैसे अभी कुरान शरीफ पढ़ते हुए मैं दुआ ही मांग रही थी कि अल्लाह करे उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाए और आज वो जा ना सके। और देखो, मेरी दुआ कबूल हो गई। वैसे दुआएं बहुत जल्दी कबूल हो जाती हैं, इसलिए दुआ मांगते रहना चाहिए। साहब, हमारे घर में तो सिर्फ अब्बा के कपड़े हैं, आप मुनासिब समझे तो ये पहन लें। आपके कपड़े भीगे हुए हैं, तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी। थैंक्स, आप रेस्ट करें, मेरी वजह से आप परेशान हो गई हैं। घर में तो सारे सो गए होंगे ना? नहीं, अम्मी को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, दो दिन से सोई नहीं थी, बहुत मुश्किलों से उनकी आंख लगी है आज। तो आप भी सो जाएं, मेरी वजह से अपनी तबीयत क्यों खराब कर रही हैं? नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही। फिर आप खड़ी क्यों हैं? बैठे ना, बैठे। कुछ बहुत गुस्सा आ रहा है ना, मैं दोबारा क्यों आ गया? नहीं, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, मुझे उलझन हो रही है। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कपड़े भीगे हुए हैं, बुखार ज्यादा हो गया। तो अब्बा आज अगर जिंदा होते तो आपको इस तरह यहाँ बैठने ना देते। कुछ है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी एक टूरिस्ट की तरह गुजारी है, आप जिन बातों पे परेशान हो रही हैं, सच माने तो मुझे बॉदर भी नहीं करती। अच्छा एक बात बताए, क्या दुनिया के सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं? I mean, सारे बच्चे अपने पेरेंट्स से ऐसे ही मोहब्बत करते हैं। क्या दुनिया के उन सारे बच्चों में आप शामिल नहीं होते? आप नहीं करते प्यार? पता नहीं, ये जो मोहब्बत की डेफिनेशन है ना, ये मुझे कभी समझ में नहीं आई। एक्चुअली कभी किसी ने समझाया ही नहीं। मैं अगर आपसे अपने दिल की बात करूंगा तो आप समझेंगे मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन आपने अपने डैड के लिए जो सब किया ना, मैं अपने डैड के लिए कभी ना कर सकता। क्या आप अपनी अम्मी के बारे में भी यही सब कुछ सोचते हैं? अम्मी के बारे में तो मैं कुछ सोचता ही नहीं, सोचने को कुछ है ही नहीं, उन्हें भी मेरे लिए कुछ नहीं सोचा। शायद इसीलिए हमारी फ्रीक्वेंसी कभी मैच नहीं हुई। नहीं, मैं आपकी अपनी अम्मी की बात कर रही हूँ। मैं भी उन्हीं की बात कर रहा हूँ, उनके लिए कुछ कहने को है ही नहीं। पता है कुछ सा,
साशा मुझसे बहुत नाराज होगी। मैं उसे समझा समझा के थक गया हूँ लेकिन मेरी कोई बात समझ में नहीं आती। क्या सारी लड़कियां इतनी तरह से बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं? पता नहीं, शायद सारी लड़कियां नताशा की तरह खुशकिस्मत नहीं होती। अभी उसे ही टेक्स्ट किया था, तुम देखना उसे जरूर झगड़ेगी। आप दोनों का झगड़ा मेरी वजह से होता है। तो आप मुझे तलाक दे देंगे तो फिर ऐसा कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। उसे तो सिर्फ झगड़ने का रीजन चाहिए, लेकिन यहाँ तलाक का वर्ड क्यों यूज करती है? दादो कहती है ये वर्ड अच्छा नहीं है। अच्छा या बुरा इसका तो पता नहीं, लेकिन जो किस्मत में लिखा होता है वो करता है। अब कबूतर की आंखें बंद करने में से खतरा टल तो ही जाता है। Very beautiful ring. आपका wedding band, wedding ring? नहीं, शादी नहीं हुई तो रिंग कहाँ से आएगी? एक्चुअली मेरी मैट्रिक में थर्ड पोजीशन आई थी, अब्बा ने मुझे गिफ्ट की थी। जब तक ये मेरे हाथ में होती है मुझे सुकून रहता है। पता है मुझे इसकी ना आदत सी हो गई है, इसलिए मैं इसको पहने रहती हूँ। तो मेरे भी एयरोज में स्ट्रेट एज आता है। सबसे पहले डैड को कॉल करना चाहता था और की भी थी, दादी से भी पहले। मॉम डैड तो वर्ल्ड टूर पे गए थे ना, पता नहीं दुनिया की कौन से कोने में थे। फिर हफ्ते के बाद कॉल बैक की। मुझे अभी तक याद है उस दिन घर में बहुत रौनक थी। अब्बा ने सारे मोहल्ले वालों को दावत दी थी, सब घर पे आए थे, मुझे गिफ्ट्स मिले थे। क्यों, आप फैमिली की पहली लड़की थी जिसने मैट्रिक पास की थी? नहीं, अपने अब्बा की तो पहली थी। अब हर किसी का अपना अपना अंदाज होता है अपनी मोहब्बत को इजहार करने का, खुशियों को सेलिब्रेट करने का। अगर गिफ्ट से ही लोग मोहब्बत दिखाते हैं तो डैड ने भी वापस आके मुझे मेरी फेवरेट स्पोर्ट्स कार दी थी। माँ बाप तो अपनी मोहब्बत को अलग अलग तरीकों से इजहार कर लेते हैं, हम ही उनकी मोहब्बतों पर शक करते हैं। पता नहीं कुछ, पता है कभी कभार मेरा दिल चाहता है मैं डैड को एक लंबी सी ड्राइव पे लेके जाऊं, उनके साथ सारी वो बातें करूं जो मुझे हर्ट करती हैं। यू आई वांट शेयर माय फीलिंग्स विद देम। लेकिन हाँ, मेरे पास टाइम है और ना ही उनके पास। शायद हम सबका यही दिल चाहता है कि हमारी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स हो जिससे हम अपने दिल की हर बात करें, दुख शेयर करें। तो कभी नहीं जाते जिंदगी से, हमेशा साथ रहते हैं बिन बुलाए मेहमान की तरह। वैसा लगता है अगर आप चाहें तो आप अपना दुख मेरे साथ शेयर कर सकती हैं। ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे ज्यादा हर्ट करती है? आंखों में आंसू, मैं किसी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता ना। लेकिन आपको तो रोते देखने की आदत हो गई है, तो मुझे ऐसा लगता है जब आप रोती नहीं है तो टेंशन होती है। अब अगर मैं आपको रोते हुए नहीं देखता ना तो मुझे लगता है पता नहीं कुछ ठीक है या नहीं। अच्छा,